सबसे पहले आप अपने फिंगर को स्टरलाइज कर लीजिए। स्टरलाइज करने के बाद लेंस से आपको प्रिक करना है और कैपिलरी ट्यूब में इस ब्लड को फिल करना है। देखिए मैंने हाथ को प्रिक किया और इस कैपिलरी में ब्लड को फिल कर रहे हैं। ये कैपिलरी में ब्लड कैपिलरी मोशन के थ्रू जा रहा है। ये कैपिलरी फुल हो गई ब्लड से, चाहे तो आप इसमें थोड़ा और भी जा सकता है। ये पूरा ब्लड कैपिलरी में गया। अब अपने हाथ को स्वैप कर लीजिए। ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब आ गया है। अब हमको इसको स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के बाद हर एक 30 सेकंड में आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, जब तक कि आपको वो पॉइंट ना मिले जिसमें आप थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर देख सकते हैं ब्लड के कैपिलरी के अंदर। जिस पॉइंट पे आपको थ्रेड मिलना शुरू हो जाएगा वो आपका क्लॉटिंग टाइम होगा। हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको एक हल्का सा इस पर ब्रेक करते हैं। ये अभी क्लॉट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लड हाथ पे आ रहा है। फिर 30 सेकंड का वेट करते हैं। 30 सेकंड के बाद हम इसमें एक फिर से प्रिक करेंगे। ये 30 सेकंड हो गया है। अब छोटा टुकड़ा हम इसका और तोड़ते हैं। देखिए अभी भी ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है, ब्लड हाथ में आ रहा है, इसका मतलब अभी भी क्लॉटिंग टाइम नहीं आया है। फिर से 30 मिनट का वेट करते हैं। जैसे ही वो पॉइंट आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। एक थ्रेड बनेगा और थ्रेड को जब आप पुल करेंगे तो एक बीच में एक लेयर बनेगी जो अपने आप को एक थ्रेड स्ट्रक्चर से अलग करेगा। फिर से 30 सेकेंड हो गए हैं, हम इसको वापस से ब्रेक करते हैं। ये देखिए एक छोटा सा आपको थ्रेड दिख रहा है, ये हमारा क्लॉटिंग टाइम है। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कैसे ये थ्रेड बन रहा है। ये हमारा क्लॉटिंग टाइम आया है 3 मिनट 5 सेकंड का। नॉर्मल वैल्यू 2 से 5 मिनट का होता है। अब आपको ये जो दिखा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ ताकि हम अच्छे से देख सकें कि क्लॉटिंग होने के बाद थ्रेड कैसे बनता है। काउंट हमारा स्टॉप हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए ये क्लॉट टूट रहा है, और भी देख सकते हैं। ये देखिए ये थ्रेड कूल हो रहा है। ये पूरा क्लॉटिंग टाइम था। इस तरह से आप क्लॉटिंग टाइम निकाल सकते हैं। ये क्लॉटिंग टाइम